राहुल गांधी ने जयपुर में वीटी रोड पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ये कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है। यहाँ पहली बार मैंने देखा कि हजारों बब्बर शेर एक साथ बैठे हुए हैं, शांति से बैठे हुए हैं। नफरत का बाजार नहीं है, मोहब्बत की दुकान है। अहंकार नहीं है, नफरत नहीं है, मोहब्बत है, इज्जत है, प्यार है। ये फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस पार्टी में। विचारधारा की लड़ाई चल रही है, लेकिन राहुल गांधी ने असली सियासी दांव यहीं पर चल दिया और वो था ओबीसी वोटरों को साधने का। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने ओबीसी वोटरों को साधने के लिए क्या कुछ कहा। हिंदुस्तान को 90 लोग चलाते हैं, हिंदुस्तान को, आज के हिंदुस्तान को एमएलए और एमपी नहीं चलाते हैं, आज के हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री 90 अफसरों के साथ चलाते हैं। वो कौन है? वो हिंदुस्तान की सरकार के सेक्रेटरीज हैं। हर मिनिस्ट्री को, सेंट्रल मिनिस्ट्री को सेक्रेटरी चलाते हैं। तो मैंने एक बात चेक की कि ये जो लोग 90 लोग हैं जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, पूरा का पूरा पावर इनके हाथ में है। हिंदुस्तान किस ओर जाएगा, शिक्षा में क्या निर्णय लिए जाएंगे, स्वास्थ्य में क्या निर्णय लिया जाएंगे, नरेगा का डिजाइन कैसे होगा, भोजन के अधिकार का डिजाइन क्या होगा, ये 90 लोग चुनते हैं, ये डिसाइड करते हैं। तो मैंने सोचा देखता हूं इन 90 लोगों में से नरेंद्र मोदी जी की सरकार में ओबीसी कितने हैं। नरेंद्र मोदी जी 24 घंटा ओबीसी की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, आज 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं, 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं। और बात सुनिए, वो 3 लोग हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट पे निर्णय लेते हैं। मतलब 3 है और सरकार में उनकी कोई पावर नहीं है, कोई नहीं सुनता उनकी, उनको कोने में रखा हुआ है। राहुल गांधी बोले, नरेंद्र मोदी जी 24 घंटे ओबीसी की बात करते हैं, आज 90 लोगों में से 3 लोग ओबीसी वर्ग के हैं, वो 3 लोग हिंदुस्तान के सिर्फ 5% वोट पर निर्णय लेते हैं। मतलब 3 हैं और सरकार में उनकी कोई पावर नहीं है, कोई नहीं सुनता उनकी, उनको कोने में रखा हुआ है। तो फिर पार्लियामेंट में मैंने एक और सवाल पूछा जो शायद हिंदुस्तान के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, और वो ये है कि इस देश में ओबीसी कितने हैं, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, कौन से समाज के कितने लोग हैं। और इस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेशंस में मिल सकता है। जैसे ही मैंने कास्ट सेशंस की बात शुरू की, पार्लियामेंट हाउस में आप देख लेना, बीजेपी के लोग, बीजेपी के नेता, बीजेपी के मंत्री, एमएलए सब चिल्लाने लगे, मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश की। टीवी का कैमरा हिल गया कि देश को ओबीसी को ये पता ना लगे कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग जो चलाते हैं उनमें से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग से आते हैं। वीडियो डेस्क, amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।